आदिवासी हाय हाय भारतीय सी हाय हाय भारतीय सी हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 संघर्ष समिति का आरपीएससी के बाहर धरना प्रदर्शन। रिसफल व प्रतीक्षा सूची जारी करवाने की मांग को लेकर आमरण अनशन की दी चेतावनी। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के सभी विषय के रिसफल रिजल्ट और प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग को लेकर विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थियों ने संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को आरपीएससी के बाहर धरना प्रदर्शन कर जल्द कार्रवाई की मांग की है। अभ्यर्थियों ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 का रिसफल रिजल्ट और वेटिंग जारी करने हेतु संयुक्त 5 अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 दिसंबर 2020 को एवं मुख्यमंत्री द्वारा 2 नवंबर 2021 को आदेश किए जा चुके हैं। सामाजिक और संस्कृत विषय का हाईकोर्ट से भी रिसफल रिजल्ट और वेटिंग जारी करने के आदेश दिए जा चुके, लेकिन अभी तक इन्हें जारी नहीं किया गया। 26 अप्रैल 2018 को जारी डीओपी सर्कुलर के अनुसार नई भर्ती आने पर पुरानी भर्ती की वेटिंग की खाली सीट नई भर्ती में जोड़ने से संबंध रखता है, अतः रिसफल रिजल्ट को रोकना अन्याय है। राजस्थान सरकार द्वारा 2 नवंबर 2021 को वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के रिक्त पदों पर वेटिंग जारी करने के आदेश दे दिए गए, बावजूद इसके अभी तक इन्होंने आदेश जारी नहीं किए हैं। अभ्यर्थी पिछले 3 साल से आरपीएससी के चक्कर लगा कर थक चुके हैं। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द गौर नहीं किया गया तो बुधवार से आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के अभ्यर्थी हैं और पिछले 3 साल से हम वेटिंग और रिसफल निकालने के लिए आरपीएससी के चक्कर काट रहे हैं। 19 तारीख से हमारा धरना चल रहा है और पिछले 2 नवंबर को मुख्यमंत्री जी ने अपनी जनसुनवाई में प्रतीक्षा सूची निकालने का निर्णय लिया है और लगातार आरपीएससी हम आ रहे हैं। ये आरपीएससी यहाँ से डीओपी लेटर लिख देती है, डीओपी वहाँ से जवाब देती है, लेकिन फिर भी अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। हम आज हमारा 14वां दिन है लगातार संघर्ष करते हुए, और अगर आरपीएससी हमारी बात नहीं मानती है तो बुधवार से हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। कितने लोग हैं जिनका अभी तक नहीं हुआ? जी, इसमें कम से कम 1100 के आसपास पद खाली पड़े हैं। आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप? जी, आज हम अभी यहाँ से नारेबाजी करते हुए अंदर जाएंगे और अटल जो मुख्य सचिव है उनसे मिल के आएंगे, ज्ञापन देंगे उनको। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 की रिसफल वेटिंग को जारी करने हेतु विरोध प्रदर्शन किया गया है, मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया गया है। अगर हमारी आज तरीके से मांग नहीं मानी गई तो बुधवार से हम धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। क्या मांग है आपकी? वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 का रिसफल व प्रतीक्षा सूची जारी करने है। क्या आपका कोई धरना वगैरह भी चल रहा है? धरना चल रहा है 14 दिन से। नहीं सुन रहे बिल्कुल भी। 14 दिन से धरना चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं सुन रहे क्या? और बिल्कुल नहीं सुन रहे हमारी बात। क्या चाहते हैं आप लोग? हम रिजल्ट चाहते हैं और जल्दी रिजल्ट, शीघ्र जारी नहीं किया तो हम बुधवार से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 2016 की हमारी वेटिंग की है रिसफल रिजल्ट निकाला था, उसका रिजल्ट अब ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। 19 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, टेंट उड़ रहे हैं, हम बैठे हैं तिलू में धूप में, बच्चों को लेके बैठे हैं, लेकिन आरपीएससी पे मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कोई बच्चे मरे, कोई स्टूडेंट मरे, बेचारे विद्यार्थी ये इतने परेशान हो रहे कुल मिला के बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहा है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लेटर भेजते हैं कभी, जबकि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया, निकाल दिया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों रोके हुए हैं हमारी ज्वाइनिंग। क्या कारण है, क्यों नहीं दे रहे? पता ही नहीं चलता है। इनके जाते हैं, इनके देते हैं 7 दिन में, 15 दिन में करेंगे, कुछ नहीं है। डीओपी लेटर भेजो, वहाँ से भेजो वापस, यहाँ से डीओपी भेजते हैं, डीओपी से यहाँ लेटर भेज देते हैं, लेकिन पता नहीं सुनवाई क्यों नहीं कही जा रही है हमारी। गर्मी में भी बच्चों को लेकर आप यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? बहुत परेशान हो रहे हैं, कब से लू के अंदर बच्चों को, छोटे बच्चों को लेके इतना आसान थोड़ी है यहाँ बैठना। आज किस तरह का विरोध किया आपने? नारेबाजी प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दिया है, ज्ञापन दे के आए। अब जल्द अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर परसों से हम अनशन पर बैठेंगे।